सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सर, लगता है ट्रस्टीज आ गए। आइए आइए, चलिए। नमस्ते जी, आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। आइए। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। इस तरफ चलिए चलिए। संभाल के। हाँ, गुड वर्क। थैंक यू सर। चलिए इस सर आइए, यहाँ भी संभाल के आइएगा। आइए सर, यहाँ गिट्टी आइए, ये संभाल के पड़ा हुआ है, जरा प्लीज संभाल के आइए। आइए सर। काम तो अच्छा हो रहा है लेकिन कुछ स्लो है जी। बस कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं प्रिंसिपल साहब। ये पिछली बार भी आपके वाइस प्रिंसिपल ने यही कहा था। मेरा साहब, वो क्या है, अब की बार मैं वादा करता हूँ, वो क्या कहते हैं हिंदी में, प्रॉमिस करता हूँ कि 6-8 महीनों में काम खत्म हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। चलिए मेरे साथ, कुछ और देखो। हाँ चले। क्यों रघु, क्या चल रहा है? सलाम साहब। रघु, सुना ट्रस्टीज क्या कह रहे थे? साहब, काम स्लो चल रहा है। ये काम करने वाले सभी आदमी हैं, मशीन थोड़ा ही है। हाँ ठीक है ठीक है। और तुम्हारा दोस्त कहाँ है, क्या नाम उसका, बिहारी? ओह बिहारी, वो तो बेचारा रोज तारापुर से अप डाउन करता है, फंस गया होगा कहीं ट्रेन के लफड़े में। कृपया ध्यान दीजिए, बोरीवली और अंधेरी के बीच सिग्नल फेल हो जाने के कारण सभी उपनगरीय गाड़ियां देरी से चल रही हैं। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। खेलना छोड़ो गुरु, लगता है धमाका करने का टाइम आ गया। नाटक हो गए ले, कभी लाइन खराब है, कभी सिग्नल खराब है, कभी केबल खराब है, हर चीज की कोई लिमिट होती है, क्यों भाई? हाँ, फोकट का पैसा हमारा आता है क्या? एक टिकट लेना भूल गया तो पैसा जुर्माना फाइन भरना पड़ता है, आखिर तुमने लगाया क्या है? अरे तमाशा है, सारे रेलवे स्टेशन का ठेका मैंने ले रखा जी। ए स्टेशन मास्टर, ए कंप्लेंट कर तो जीएम को करो या मिनिस्टर को करो जी। ए तेरी कंप्लेंट की ऐसी की तैसी, समझे ना, अगर 15 मिनट में ट्रेन चालू नहीं हुई तो तेरी तो मैं इसी तरह से कर डालूंगा। ये नहीं हो सकता जी। एक मिनट बोलता है पुलिस, तेरी तो मारो इसको, मारो।
घटनाओं के साथ ही शहर के कई रेलवे स्टेशनों से आगजनी और पथराव की खबरें मिली हैं। शहर की पूरी रेल सेवा ठप हो चुकी है और कई जगह रेलवे लाइन को भी हानि पहुंचाई गई है, जिससे शहर आने वाली कई गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोक दिया गया है। पिछले 2 महीनों में होने वाली ये चौथी घटना है। रेल मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया है कि वो इन घटनाओं की पूरी जांच पड़ताल करवाएंगे और अपराधी पाए गए व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाकई अजीब इत्तेफाक है, एक ही दिन एक ही वक्त में शहर के 4 बड़े जंक्शंस पर ऐसी पथराव की वारदात, और कमाल की बात है कि ऐसा इत्तेफाक चौथी बार हुआ है। इसलिए मैं इसे महज एक इत्तेफाक नहीं मानता। अगर यह इत्तेफाक नहीं है तो फिर क्या है मार्शल? आने वाले तूफान का अंदेशा। तूफान के आने से पहले कुत्तों के रोने का शोर सुनाई देता है, यह भी वही शोर है जो किसी तूफान के आने की भविष्यवाणी कर रहा है। तूफान? कैसा तूफान? बम ब्लास्ट। शहर में एक बार फिर बहुत बड़े पैमाने पर बम ब्लास्ट होने की संभावना है। क्या? इम्पॉसिबल, हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। पिछली बार भी हम अलर्ट थे, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं मार्शल कि इन वारदातों का मतलब सिर्फ बम ब्लास्ट ही होगा? अगर आप लोग अपने दिमाग पर जोर दें तो आपको याद आ जाएगा कि पिछली बार हुए इस तरह की वारदातों के ठीक 10 दिन बाद ही शहर के कई इलाकों में एक साथ बम ब्लास्ट हुए। अगर ये कोई नहीं जान सका कि RDX की इतनी बड़ी खेप कब और कहां से आई। कमिश्नर साहब, मुझे शक ही नहीं यकीन है स्टेशनों पर आजकल हो रहे ये रायट्स किसी के दिमाग की गहरी चाल है। लेकिन ये महज आपका ख्याल भी हो सकता है मार्शल? नहीं, ऐसी पे नहीं, ये इत्तफाक नहीं, मेरी तफ्तीश का नतीजा है। लिहाजा मैंने आप सब लोगों को होशियार करना जरूरी समझा है। बहरहाल मेरे ख्याल से शहर में RDX आ पहुंचा है। हेलो। यस कमिश्नर या। क्या? कब? कहां? हाईवे पर। अच्छा ठीक है, अभी अभी हाईवे पर एक टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें RDX भरा है। किसका टेम्पो है सर? इसके मालिक का पता नहीं लगा, हमने रजिस्ट्रेशन चेक किया मगर नंबर प्लेट जाली था। जी हाँ। बट हाउ डू यू नो कि इसमें RDX है? आपने टेस्ट करवाया? सर पिछले बम ब्लास्ट में बम स्क्वाड के साथ ही था, मुझे पूरा यकीन है कि ये RDX ही है, फिर भी मैंने टेस्ट के लिए भिजवा दिया है। ACP, स्टोन्स की आड़ में RDX शहर में आ ही गया है। मार्शल, ये माल चेक पोस्ट से निकला कैसे? ट्रेन से। आप ये काम कीजिए, चेक पोस्ट के नजदीक रेल लाइन पर खड़ी हर ट्रेन और मालगाड़ी को आप कवर अप कर लीजिए प्लीज।
ड्राइवर ने बताया था कि वो माल कहां लेके जा रहा है? सर उसकी हालत सीरियस थी और वो बेहोश था, उसे फौरन अस्पताल में भिजवा दिया था। कौन से अस्पताल? सरकारी अस्पताल। क्या करना है पता है ना? यस सर। गो। Yes, doctor. Patient inside. Sir, room number 9 का patient दर्द के मारे बहुत चिल्ला रहा है। Oh my God, तुम उसे बेहोशी का injection दे दो। मैं इसे attend करके फौरन आता हूँ। Okay, sir. Please. Woo!
We'll be right back.